नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। अम्बेडकर नगर के दुल्हूपुर बाजार में दो सराफा की दुकान व एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात तथा नकदी रुपया लेकर फरार हो गए। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र जलालपुर अम्बेडकर नगर कटका थाना क्षेत्र के दुल्हूपुर बाजार में एक ही रात में दो सराफत की दुकान व एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात तथा कुछ नकदी रुपया लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कटका थाना अध्यक्ष विवेक वर्मा सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि चोरों को जल्द ही पकड़कर इसका खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश है और बताया जा रहा है कि यह पुलिस की विफलता है, क्योंकि दुल्हूपुर बाजार में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं और चोर भी पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर हैं, इसीलिए चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। फरुखाबाद का निवासी जवान अभिजीत कुमार की जम्मू कश्मीर में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें अंतिम दर्शन में लोगों का सैलाब उमड़ा, देखे पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जनपद की कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम लोकड़पुरा निवासी 28 वर्षीय अभिजीत कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह राजपूत वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में 9वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लद्दाख में वह ASC की 3री कोर में चालक के पद पर तैनात थे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में रसद लेकर जा रहा सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में MT चालक जवान जीत कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद उनका शव पैतृक गांव लुकुटपुरा पहुंचा, जहां सैनिक के शव के अंतिम दर्शन को भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद की मां गंगा श्री व पत्नी सरिता की बेसुध हो गई। सेना के नायाब सूबेदार और उनके 35 जवानों की टीम ने शहीद को सलामी दी। इस दौरान भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, SP आलोक प्रियदर्शी, सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, मोहम्मदाबाद कोतवाल विनोद शुक्ला भी पहुंचे। उन्होंने शहीद के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सर, आज एक फौजी शहीद हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज मैं कह सकता हूँ कि देश के लिए बहुत बड़ा ये क्षति है। जी सिंह आज शहीद हुए हैं, तो उनके मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस संकट में उबरने के लिए साहस प्रदान करे, और मैं उन्हें सत्सत नमन करता हूँ जहाँ पर भी हों। जिस तरह से पूरे गांव के लोग प्रशंसा करते हैं उनके, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और आज वो शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और जिस देश के लिए वो लगे हुए थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके जो शेष साथी हैं, उनके सहयोगी हैं, वो देश में सफल होंगे इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, आन बान शान के लिए। क्या लगता है सर, जैसे परिवारजनों के लिए इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था होगी? नहीं, बिल्कुल, जो शहीद होते हैं हमारी भारत सरकार जो है, देखिए कल शहीद हुए और आज उनका पार्थिव शरीर गांव में आ गया, हम सबके बीच में है। इससे पहले ऐसा नहीं था, वहीं पर दाह संस्कार कर दिया था, पार्थिव शरीर नहीं आता था। ये हमारी सरकार की उपलब्धि ही है कि जो भी शहीद होगा उसके शरीर को। क्या नाम है दादा आपका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? लुकटपुरा पेपर गाँव। ये जो मृतक हैं वो आपके कौन है? पुत्र है। अच्छा, क्या नाम है? जीत कुमार। इनकी नौकरी कब लगी थी? 15 में। अच्छा, 2015 में। ड्यूटी कहाँ कर रहे थे? जम्मू। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि आज ये घटना घट गई? माई से फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा अच्छा, शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई। कितने पुत्र हैं? 2। इनका सब कितने बजे पहुँचा यहाँ पर गाँव में? 9 बजे। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फरुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार की मौत हो गई, मौत से परिवार में मचा कोहराम, देखिए पूरी रिपोर्ट। फरुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मच गया। ग्राम घटिया चलौली निवासी अंकित गंगवार पुत्र अशोक गंगवार उम्र 33 वर्ष की दुर्गा टॉकीज के पास गमले की दुकान है।
रोज की बात है, रविवार शाम दुकान बंद करके अंकित गंगवार बाइक से घर जा रहा था। बंधन गेस्ट हाउस के पास ब्रेकर पर उसकी बाइक में अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसे दुकानदार अंकित गंगवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल दुकानदार को CHC कायमगंज में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अमित ने गंभीर रूप से घायल दुकानदार अंकित गंगवार को मृत घोषित कर दिया। दुकानदार अंकित गंगवार की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक दुकानदार के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में बंधन गेस्ट हाउस के पास का मामला बताया जा रहा है। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये कौन आपके हैं? ये बेटे। अरे घटना कैसे क्या हुई? ये दुकान बंद करके आए थे घर, हाँ, तो वही कोई गया, टक्कर मार गया। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी क्या दिया है? कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये कौन आपके हैं? बेटे। अच्छा, घटना कैसे क्या हो गई? पता नहीं चला कि दुकान बंद करके आ रहे थे, पता नहीं कैसे अज्ञात वाहन से कैसे चोट लगी, पता नहीं चला। हम लोगों को सूचना मिली, वहाँ अज्ञात वाहन लगे, टक्कर मार के चला गया। हमने तो पड़ा देखा, उन्हें करने मृत घोषित कर दिया। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गोंडा में मारवाड़ी युवा मंच और देवी पाटन शाखा द्वारा मुहैया कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में दैनिक वस्तुएं, कपड़ा और दीपावली संबंधित सामान एवं मिठाई वितरण किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गोंडा में मारवाड़ी युवा मंच गोंडा और गोंडा देवी पाटन शाखा द्वारा संयुक्त रूप से आनंद सबके लिए कार्यक्रम राजस्व ग्राम रामगढ़ महेशपुर वनटांगिया पोस्ट सुरजापुर तहसील तरबगंज गोंडा में आयोजित किया गया, जिसमें गांव के अति गरीब और निर्धन परिवारों का चयन करके उनको दैनिक वस्तुएं, कपड़ा और दीपावली संबंधित सामान एवं मिठाई वितरण की गई। सभी परिवार दीपावली के इस अवसर पर मंच द्वारा दी गई सहयोग से बहुत ही खुश और हर्षोल्लास से भरे रहे। इस आयोजन में गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा मुख्य अतिथि रहीं, CDO अंकिता जैन, CJM नेहा रुंगटा, CMO डॉक्टर रश्मि वर्मा, सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह अतिथि रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए एवं पूरे गांव में 5100 दीप जलाए गए, जिसमें प्रांतीय सदस्य मुकेश नेहरिया, विकास जैन, शाखा अध्यक्ष गोपाल मित्तल, महामंत्री पीयूष मित्तल, सचिन खेमका, सचिन पचेरिया, रवि मोदी, विकास अग्रवाल, विशाल सिंघल सहित सभी सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्प राम त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज में कूड़ा फेंकने पर विरोध करने पर दबंगों ने जमकर मारपीट की, देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के लोचनगंज में बीते दिन पूर्व एक युवक द्वारा घर के पास कूड़ा फेंकने का विरोध करने पर पड़ोस के कुछ लोगों ने फरसा, हॉकी, लाठी, डंडे लेकर पीड़ित युवक के घर पर चढ़कर मारने पीटने व पिस्तौल से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास का आरोप लगाते हुए पीड़ित युवक ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में उसने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार केसरी। और क्या मामला है? मामला ये है भैया कि जो है हमारे घर पे जो है पति पति गालियां दिए, कूड़ा फेंक रहे थे, हम लोगों ने मना किया तो गालियां देने लगे, और उसके बाद जो है लाठी डंडा गड़ासा और रिवाल्वर लेके मेरे घर पे तीनों भाई विनीत पांडे, शुभम पांडे और शिवम पांडे आए और जाते सोचे गालियां भी दिए और फिर हमारे लोग ऊपर लाठी डंडे से वार भी किए और फरसा से वार किए और रिवाल्वर लेके मेरे भाई के ऊपर सटा दिए। बिल्कुल एक फायर भी उन्होंने किया, लेकिन मैंने जो है मौके पे तुरंत जो है उनके हाथ को मरोड़ दिया, जिससे मेरे भाई की जान बच गई। तो आज मेरा भाई मेरे बीच में नहीं होता है। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में करी थी? हाँ, पुलिस में कह लिए कि मेरे 4 दिन हो गए, अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। और पुलिस ने हमारे खिलाफ भी FIR दर्ज कर लिया है। फायरिंग का कोई वीडियो भी? हाँ, वीडियो है मेरे पास, पूरे CCTV में पूरा पूरी घटना की CCTV फुटेज मेरे पास है। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, उनके असलहे को बरामद करें और सारे लोग जेल भेजें, हमको सुरक्षा दें, हमको सुरक्षा दें, हमारे हमको भी एक असलहे का लाइसेंस दें, जिससे मेरे आने वाले समय में गुंडों से मेरी रक्षा हो सके। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रण विजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।